features of this Love Lab premium car seat, how is it different from your usual car seat, because it even has a booster chair aur iska jo duration hai use karne ka wo bhi zyada hai. So with that, chalo let's get started. Hey there, welcome or welcome back. First of all, let's get started with all the features and details. Sabse pehle let me show you. So its whole frame is quite strong and it has soft covering. It has extra thick padding for comfort and protection. Neck ke liye bahut acha protection hai isme. Pura jo iska edge hai that is quite soft and quite cozy and is fully protected. Matlab bachcho ko acche se protection mile for neck area, arms, and even this is quite well cushioned. It has this soft cushion. You can remove this or you can keep this. It's good to keep this for child safety and child can get good back support. Saath mein iski jo plastic hai that is also quite firm. This has 5-point safety harness. This is quite tricky. Matlab jab maine purchase kiya tha mujhe thoda sa tricky laga tha how to open this and how to close this. So I'm just telling for you. So aapko in dono ko kya karna hai? Join karna hai and then you have to insert them together. Okay, and अगर आप इसको push करोगे नीचे तो ये open हो जाएगा. And इसको so it's quite safe. So it has one pull safety harness. आपको इसको अंदर की तरफ push करना है and आप इसको tight या loose कर सकते हैं अपनी convenience के हिसाब से. According to the child size, आपको सिर्फ इसे push करना है तो ये tight और loose हो सकता है. आपको ये अंदर की तरफ push करना है. इसका जो ये शोल्डर है, शोल्डर वाला फ्रेम है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. इट हैज थ्री लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट. लेट मी शो यू नाउ. आपको इसको ना बाहर की तरफ पुल करना है एंड इट हैज थ्री वेरिएशंस. Your, your, your. Depending upon the child size, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. You can see this. ये नीचे चला गया. बच्चे के neck के size के हिसाब से, head के हिसाब से आप से ऊपर नीचे कर सकते हैं. And show you again. आपको इसको pull करना है बाहर. And then you can adjust this accordingly. According to the child neck size, आप से ऊपर नीचे कर सकते हैं. This is the maximum level. And this is like second and this is fourth level. बच्चे जो होते हैं वो गंदा कर देते हैं ऑब्वियसली व्हेन दे सेट इन द कार दे ईट एंड कार सीट खराब हो जाती है, डर्टी हो जाती है. सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज यू कैन रिमूव दिस एंड यू कैन आप इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको वॉश भी कर सकते हैं. इजीली रिमूव हो जाती है. इसमें यहाँ वेलक्रो है. यू कैन रिमूव दिस एंड यू कैन वॉश दिस इजीली. एज अ बूस्टर चेयर. जब आपका बच्चा थ्री इयर्स अबव हो जाए एंड ही इज नॉट कम्फर्टेबल इन सिटिंग इन दिस चेयर देन यू कैन यूज इट एज अ बूस्टर चेयर. आप इसमें यहाँ पर ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखा है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सब पुल करना है एंड दिस विल कम आउट. सो ये आप रिमूव कर सकते हैं ऊपर वाला पार्ट और सिर्फ नीचे वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं एज अ बूस्टर चेयर. क्योंकि बच्चों को इससे क्या होता है, बच्चों को हाइट भी मिल जाती है. जब बच्चे कार में बैठते हैं दे फील नाइस, दे आर लुकिंग आउट, अच्छा लगता है हम लोगों को. तो ये आप बूस्टर चेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जब आपका बच्चा 10-11 ईयर्स का बड़ा हो चुका है, ही डजंट लाइक टू सिट इन अ कार चेयर, देन एज अ बूस्टर चेयर यू कैन यूज़ दिस एंड दिस मेक्स दिस कार चेयर डिफरेंट. क्योंकि मैंने और भी कार चेयर्स देखी हैं बट ये बूस्टर चेयर वाला फीचर मैंने और किसी कार सीट में नहीं देखा है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चेयर दैट इट इवन हैज अ बूस्टर चेयर. सो आई हैव परचेज दिस फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड चाइल्ड हु विल बी टर्निंग 1 सून. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. अगर आप भी एक साल के बाद या अराउंड 9 मंथ के अराउंड परचेज करने वाले हैं, गो फॉर दिस वन बिकॉज दिस वन हैज अ बूस्टर चेयर जो आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं. ये 12 साल तक का बच्चा यूज कर सकता है. एज जब बच्चे को चेयर में बैठना पसंद नहीं है तो सिंपली बूस्टर चेयर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. इट हैज कुशन हियर और आराम से आप अपने बच्चे को बिठा सकते हैं इसमें.
ये कार्ड शेयर रिकमेंडेड है अराउंड 9 मंथ से लेकर 12 इयर्स के बच्चे के लिए। अगर वेट से कैलकुलेट करें तो 9 केजी से लेकर 36 केजी का बच्चा इसमें आराम से बैठ सकता है। इफ़ यू विश टू परचेज दिस, यू कैन परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम लव लैब और यू कैन परचेज इट फ्रॉम अमेजॉन। So guys, that's it. I hope this video must have been helpful for you. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, please don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to my channel for more of such product reviews. And if you want me to do a product review, any particular product, let me know in the comment section. I'd be glad to hear from you. That's it for today. I'll catch you next time with some other story. Till then, you take care of yourself. Bye bye.